हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एनपीसी नेता नवाब मलिक को किया गिरफ्तार। मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ कर रही थी। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद मलिक काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने एजेंसी के दफ्तर के बाहर खड़े अपने समर्थकों का हाथ मिलाकर अभिवादन किया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। वहीं नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में एनपीसी कार्यकर्ताओं ने एजेंसी के दफ्तर के बाहर एक होकर नारेबाजी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 62 साल के नेता नवाब मलिक बैलेट एस्टेट इलाके में स्थित ईडी के ऑफिस में सुबह 8 बजे पहुंचे थे और एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज किया। बयान दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मलिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा था कि एजेंसी संपत्तियों की खरीद फरोख्त से मलिक के कथित तौर पर जुड़े होने की जांच कर रही है, इसीलिए उनसे पूछताछ की गई। मलिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में है, जब से उन्हें स्वापन नियंत्रण ब्यूरो के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वांकड़े के विरुद्ध निजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाए गए थे। मलिक के दामाद समीर खान को गत वर्ष मादक पदार्थ के एक मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की जा रही थी। एजेंसी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1993 के बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर शामिल हैं। कासकर पहले से जेल में है, जिसे एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की थी। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।